दूसरी चीज़ मैंने आपको बोला था कि मैं आपको आज यहाँ के रेट्स वगैरह का भी सीन बता दूँ। If you are a fan of travel content and you like fun family videos, तो Mile Chasers को subscribe करना ना भूलें। Good morning everyone, welcome back to the channel. You're watching Mile Chasers और इसने Mile Chase करने शुरू भी कर दिए। चल रहा है भाई ये मतलब। So, कितने बजे उठा था? मैं 5:30 उठ गया। 5:30? बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा मौसम था भाई। हाँ यार बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। अभी थोड़ी सी धूप आ गई है, बट जैसे इसने मुझे पिक्चर्स दिखाई है ना, बहुत सेक्सी लग रहा था। बट अभी 7:30 हो रहे हैं और हम दोबारा से रिवर पे जा रहे हैं। लेट्स सी, कुछ तो खुराफात करेंगे, उसके बिना तो नहीं जाएंगे ना भाई, खुराफात करे बिना। ओए होए 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 यार, वहाँ इतना सी हो रहा है, जबकि अभी ना लोअर लेवल के पहाड़ है, लेकिन फिर भी यहाँ पर बादल आ रखे हैं। तू क्यों हंस रहा है? इतनी हंसी क्यों आ रही है? मतलब मैं को एक्सपोज नहीं करना चाहता। किस चीज़ पे एक्सपोज? कि वो बादल है या पोल्यूशन है। बादल नहीं है, कचरा जल रहा है। यहाँ कचरा जल रहा है, उसका धो के प्रॉपर फंसा हुआ है भाई, प्रॉपर। देखोगे ना कि दिख रहा था यहाँ से उठ रहा है। सुबह भी जब उठा हूँ मैं बाहर आया हूँ, यार हम इतना ऊपर तो नहीं है कि बादल आ जाए, मगर अब इतना तो है कि पानी आ जाए। चल अंदर चलो। बट गिराइए मत मुझे पानी में। नहीं मैं तो चप्पल भी उतार के ही जाऊंगा यार, स्लिप हो जाएंगे। यार चप्पल मैं भी उतार दूंगा, लेकिन उसमें ना पत्थर होते हैं, वो लगते हैं पैर के नीचे बहुत ज़्यादा। देखो गोप्रो को नंगा कर दिया है मैंने, और अगर ये फिर भी ख़राब होता है पानी में तो ये इसकी गलती है। कैमरे में बोल दूँगा दोबारा लेके देगा। अच्छा मतलब पहले भी मैंने लेके दिया ना? हाँ दोबारा ले दूंगा मैं इसको। बहुत गंदा यार, ये भी कट होगा, कट, मेरी बेइज्जती कहीं नहीं जाएगी। अरे ठंडा नहीं है ज़्यादा, चप्पल कल से थोड़ा सा है लेकिन इतना नहीं है यार। चप्पल के बिना पत्थर लगेंगे बहुत तेज। ठंडा भी लग रहा है थोड़ा थोड़ा, वो हो गया ही ना यार, इतना भी नहीं लगेगा तो फिर क्या। देख अगर मेरी चप्पल गिरी थी तो भाग के ले लियो। ओ भाई लड़ गई, वो पानी में तो नहीं आ जाएंगी लड़ते? अफरा तफरी यहाँ मच जाएगी बहुत गंदी। किसी और की लड़ाई मत फिल्म कर। थैंक मी लेटर। मर रही थी मैं आज भाई, यहाँ पे ना एकदम से डीप हो रहा है बीच में, बच गया मैं ना। तो बरसातों में तो ये पूरे पूरे इतने बड़े पत्थर डूब जाते हैं पानी में, तो एक हाथ से फिल्म भी तो करना है ना उससे। तो मेरे को दे दे, मैं फिल्म कर दूँ तेरे को। तू मुझे पता है मेरे कैसे शॉट लेगा पीछे से। मैं खुद ही कर लूँगा, रिस्क ले लूँगा, तेरे को नहीं दूंगा। ओह नंगे पैर मत आइयो भाई, यहाँ लोगों ने गलत काम कर रखे हैं। सबसे छोड़ के जाते हैं, कांच वाँच छोड़ के तोड़ के गए हैं भाई। इसके अंदर बैठ के मजा आएगा, तुझे बैठाता हूँ। आजा आजा, हाथ भी नहीं दिया तूने मुझे। अरे भाई इसमें बैठेगा, इसमें पानी फेंकूंगा तेरे पे। आजा भाई, तू एक चीज़ देख रहा है, ये पानी से बने हैं कट के, इतनी फ्लो से इस पर बह के इसने काटा पानी ने, सोच सकता है। ये देख यहाँ पर भी देख ले, जिस दिन पानी आएगा ये साथ जाएंगे और फिर हर की पौड़ी पे आएंगे। ओए सुंदर जगह आके, क्या बीच में से व्यू कितना सही आ रहा है यार। तो यहाँ पे लाइन से क्या है, जो हम कल रात को कह रहे थे 360 रिजॉर्ट से, ये पूरा ये हमारा आ गया, ये एक और है उधर तक रिजॉर्ट से, पूरी लाइन में सारे रिजॉर्ट अच्छे हैं यहाँ। हाँ सोच, हमने अपने कैमराज वगैरह वो फोन वगैरह सब वहाँ रखे, अगर कोई लेके भागने भी लगे हमारा को, यहाँ से जाने में भी टाइम लगेगा तब तक वो ले जाएगा। नहीं हम बस यहाँ से चीख के रिक्वेस्ट कर सकते हैं भैया। तो भैया प्लीज़ भैया भैया होटल बना। हम तो आ नहीं सकते देखो। माइक कुछ कुगी है। कुगी ये उड़ के बखा, कुगी उड़ के बखा, कुगी कुके। यार मेरा बस ये मन है, जैसे मैं तेरे को कल कह रहा था ना, यहाँ पर बस एक टाइगर आके खड़ा रहे, हमारे को दिखता रहे 5 मिनट, हम यहाँ बैठ के देखते रहे। ये सिर्फ सोचने में अच्छा लग रहा है। बट है ये एक्चुअली राजा जी नेशनल पार्क की पार्ट है। अगर आप कल भी हमने आपको दिखाया था, हम पीछे वाली रोड से आए थे और वहाँ पे थोड़े आगे जाके सफारीज तक थी, तो ये कनेक्टेड तो एक ही चीज़ है ना यार सारा। 2-2.5 किलोमीटर आगे ही है उस जगह से। हाँ यार हम एक चीज़ क्यों नहीं कर रहे, हम यहाँ से क्यों नहीं उतर के उधर से जा रहे हैं? क्योंकि हमको लाइफ में चाहिए एडवेंचर। रिक्स मांगता है, रिक्स रिक्स
भाई वहीं से कर, उतरने में मुश्किल होगी ना, सीधा कैसे उतरेगा? लेट मी अटेम्प्ट। भाई मैं उधर से जाऊँगा, उतरने वाला रिक्स नहीं लूँगा मैं। चम्मचों में पैर रखता हूँ वो तो। फीलिंग आ गई ने, फीलिंग कर दे थोड़ा गंद भाई, ऊपर नहीं करियो ऐसे ही। तेरे को पता है तू मेरे को मेरे से सपोर्ट ले रहा है जो मैं ऑलरेडी स्ट्रगल, मैं आगे जा रहा हूँ ना पहले, इसीलिए तो रुक यहीं पे, फिर मैं तेरे को भी ले लूंगा। नहीं मैं चले जाऊंगा, आजा 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 आजा, मैं तेरे को भी ले लूंगा, सिर्फ हाथ दिखा के गिरा आजा आजा। नहीं चाहिए अब मेरे को, पता है कोई काम नहीं आता भाई, कोई काम नहीं आता, मतलब ही है दुनिया, मतलब मैं दुनिया नहीं हूँ तेरे लिए, मैं तेरी दुनिया हूँ। हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? ऐसा इसने बोलने के लिए मुझे बोला था, मैं नहीं बोलना चाहता था। ब्रेकफास्ट के लिए जा रहे हैं हम लोग, रेडी शेडी हो गए एकदम बीबे मुंडे बन के। वैसे ही चश्मा पहनता, किसी को दिखाता नहीं कभी, लेकिन पहनता है। भैया बस पराठे ही चलेंगे, एक बना देना यार मेरी। संजू भैया कल भी मिलाया था, संजू भैया से हमने सबको, तो संजू भैया यहाँ पे रह के तो मज़ा आ गया। मुझे एक चीज़ आपसे जाननी थी, सीजन कौन सा रहता है यहाँ पर? सीजन सर अक्टूबर से शुरू है, अक्टूबर से शुरू दिसंबर तक, फिर फरवरी मार्च से होली के बाद मई जून जून लास्ट तक। अच्छा, और राफ्टिंग कब तक चलती है? राफ्टिंग अक्टूबर में शुरू हो जाएगी। हाँ अक्टूबर में शुरू हो जाती है, दिसंबर में फिर थोड़ा कम हो जाती है, फिर फरवरी से शुरू, मतलब अक्टूबर के बाद खुली जाती है राफ्टिंग। तो यहाँ पे आने का सही टाइम आप क्या कहोगे, अगर किसी को आना है तो किस टाइम पे आए? सर अक्टूबर में, अक्टूबर के बाद से अच्छा है ना, ठंड में मतलब ज़्यादा बढ़िया है अक्टूबर में, बढ़िया मगर पानी में जान जाएगी। नहीं इतना नहीं रहता पानी, मैंने दिसंबर में राफ्टिंग करी हुई है। तेरी क्या बात है ना, नहीं सही में बहुत अच्छा है वो, स्टार्टिंग में बस पानी में जाने में प्रॉब्लम होती है, बट बहुत बहुत मजा आता है, करते हैं लोग आते हैं। तो आप यहाँ से राफ्टिंग का भी अरेंज करा देते हो, वैसे सब करा देते हो ना? चलो बढ़िया है फिर, चलो भाई पराठे खाए जाए। वेट करो, गर्म गर्म आलू प्याज के पराठे, क्या बात है। 10 मिनट है अभी तो, 10 मिनट में आप। ये कॉटेजेस हैं जो आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ कल, ये वाला अपना है, और ये जो सारा एरिया ना, यहाँ पे आप खेल भी सकते हो, जैसे यहाँ पे वॉलीबॉल का कोर्ट भी लग जाता है, और यहाँ पे डीजे वीजे होता है सारा, और यहाँ पूरी पार्टी चलती है जब सीज़न होता है। अभी तो हम सिर्फ दो लोग हैं, तो अभी कोई ऐसा पार्टी वार्टी का सीन था नहीं, बट देन होती है, तो अगर आप सीज़न में आ रहे हो बहुत अलग माहौल होता है इस जगह का। दूसरी चीज़ मैंने आपको बोला था कि मैं आपको आज यहाँ के रेट्स वगैरह का भी सीन बता दूंगा। देखो वैसे क्या रहता है, सीज़न के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है, बट देन अगर अभी जब हम आए हैं तो इस टाइम पे हमारा लगा है 4,000 रुपये, जिसमें आपका सब कुछ होता है दो लोगों के लिए, ब्रेकफास्ट लंच डिनर स्नैक्स चाय सब कुछ, रहना वहना सब कुछ इंक्लूडेड होता है इसमें। और जो आसपास वाले कैंप्स हैं वो भी आपको मिल जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि मैंने आपको जो कल बताया था कारमा टेल्स, आप उनसे अगर बुक कराते हो आपको यहाँ पे सारे ऑप्शंस वो बता देंगे आपको कहाँ पे रुकना है, क्योंकि यहाँ पे कोई 5,000-6,000 के भी हैं, इससे कम वाले भी हैं। हमने क्यों 4,000 वाला लिया, क्योंकि हमारे को वॉशरूम्स वगैरह ठीक चाहिए थे, हमारे को था कि यार एसी वेसी हो, इसलिए हमने 4,000 लिया। अगर आप एसी के बिना ले रहे हो आपको काफ़ी कम पड़ जाएगा। तो मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा कारमा टेल्स का, और उनका नंबर भी डाल दूंगा भैया का, सनी भाई हैं, उनसे जाके कॉन्टैक्ट करो, आपकी जहाँ बुकिंग करानी है करा देंगे, ट्रैवल एजेंसी उनकी है, मैंने लास्ट ब्लॉग में भी बोला था, सो डू चेक इट आउट, और अगर लगता है कि कराना है वहाँ पर जाके करा सकते हो, ठीक है। और गैस अगर ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ प्लीज़ डू गिव इट अ थम्स अप, और कमेंट करके हमारे को बताना कि क्या आपको अच्छा लग रहा है। मैंने आपको ये बताया कि जंगल एकदम बीच में है, तो आपको रात को वाली फील भी आती है, भैया कह रहे थे कि रिवर पे कई बार जानवर भी आ जाते हैं, क्योंकि राजा जी नेशनल पार्क के बीच में। सो आपको पता ही है हमारे को ऐसी जगह एक्सप्लोर करना ज़्यादा अच्छा लगता है जो थोड़ा नेचर के बीच में हो, माइल चेजर इसी के लिए प्राउड अपने आप को फील करता है इस चीज़ में कि हम जंगल के बीच में आपको ऐसी जगहें दिखाते हैं। हैविंग सेड दैट, इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं यार, जैसे मैंने बोला डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माइल चेजर्स,
आगे के व्लॉग आपके लिए चलते रहेंगे, देखते रहना चैनल अपना, और ड्रोन शॉट्स पसंद आए हो तो उसके लिए भी कमेंट करके बता सकते हो। सी यू।